जब बहुत विशाल मुख बना लेती है तो हनुमान जी एकदम छोटे से हो जाते, एकदम छोटे से। कितने छोटे? उनका जितना मन किया उतने छोटे। ये मत पूछना कितने छोटे, क्योंकि हम वहां थे नहीं। हाँ, बहुत छोटे बनाते हैं। अब सोचो खूब बड़ा मुख हो, खूब बड़ा मुख, तो उसमें हमारे आप जैसा आदमी भी घूम करके निकल जाएगा, म्यूजियम की तरह वो होगा। मुख रास्ते घुसेगा टंग को देखते हुए, हाँ, और कनपट्टी रास्ते निकल जाएगा। ऐसे ही हनुमान जी करते हैं, छोटे से होकर के उसके मुख में प्रवेश करके कान रास्ते निकल जाते हैं, और निकलने पर एक घुसा देते हैं, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन वो आशीर्वाद देती है कि जाओ, राम जी का कार्य करने में आप सफल होंगे, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं। यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान जी छोटे बड़े हुए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है, अगर हनुमान जी समय पर छोटे बड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? तने रहोगे तो मर जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन अगर लचीले हो जाओगे ना तो जिंदगी में आगे बढ़ते ही जाओगे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम छोटी छोटी बातों में तन जाते हैं। और यहाँ जो खास तौर पे नौजवान बैठे हैं ना, 16 से 26 एंड कंपनी है, हनुमान जी वहां से आगे चलते हैं और एक पर्वत आता है समंदर के नीचे से। भगवान का भगत समझ के उनको कहता है थोड़ा आराम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं नहीं, आराम नहीं करना है, मुझे भगवान का काम करना है, जब तक भगवान का काम नहीं होगा तब तक हम आराम नहीं करेंगे। हमारे साथ क्या होता है, हम आराम ही करते रहते हैं, केवल आराम करते हैं, काम बहुत कम करते हैं। कार्यालय में जाते हैं, सरकारी दफ्तर वाले तो इतने गड़बड़ होते हैं कि लगता है उनके पिताजी का वो दफ्तर है। जाके आप कहो भैया जरा बैठे रहो, हाँ अभी कर रहे हैं, बैठे रहो, आधा घंटा एक घंटा आपको बैठाए रखेंगे। अपना जो भी दायित्व है उसको करिए, छोड़िए मत, उसके बाद आराम करिए। पढ़ाई लिखाई करने वाले ध्यान दें, जिंदगी में जब तक लक्ष्य न मिल जाए ना तब तक पढ़ते रहो ईमानदारी से, और नहीं तो आराम करोगे ना तो बाद में जिंदगी हराम हो जाएगी। इसलिए खूब मेहनत से पढ़ लिख के काबिल बन जाओ और फिर अपने जिंदगी में आनंद कर लेते रहना, आराम करते रहना।